लोगों की मम्मी कहती है चमल कर लग जाएगी, और मेरी मम्मी कहती है लग गई तो और मारूंगी, एक बार खा लूंगा, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बच्चों आज हम सुनेंगे कौवे और सांप की कहानी, तो शुरू करते हैं कहानी। एक बरगद के पेड़ पर कौओं का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तले में एक कोटर था जिसमें एक सांप रहता था। वह सांप कौवे के अंडे को खा जाता था। कौवा इस बात से परेशान होकर अपने मित्र सियार के पास गया। सियार ने जब उसकी समस्या सुनी तो उससे बोला, तुम्हें सांप से डरकर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम फौरन शहर की तरफ जाओ, वहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। उनके घर से कोई भी कीमती चीज उठाकर सांप के कोटर में डाल दो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम कीमती सामान लेकर उड़ो तो घर के नौकर तुम्हें देख रहे हों और वे तुम्हारा पीछा करें। नौकर उस कीमती सामान को वापस हासिल करने के लिए सांप की कोटर के पास जाएंगे और सांप को मार डालेंगे। अपने दोस्त की सलाह मानकर कौवा नगर की तरफ गया। वहाँ उसे देखा रानी अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान कर रही है। उन्होंने अपने कपड़े और गहने लापरवाही से नदी के तट पर छोड़ दिए हैं। कौवा एक हाथ अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। दासियों के चिल्लाने पर सैनिक हाथ में भाला लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने हार जाकर सांप की कोटर में डाल दिया। सैनिकों ने जब कोटर से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने सांप को मार दिया और हार लेकर नगर की तरफ चल दिए। कौवे ने सियार का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों यहाँ कहानी हुई खत्म। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि सूझबूझ के साथ काम करने से शक्तिशाली दुश्मन को भी परास्त किया जा सकता है। तो कल फिर मिलेंगे बच्चों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।